वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मोटो व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्काई मोटो व्लॉग्स पे। नया दिन नया व्लॉग। और भाई आज ना सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश, और अभी मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट हुए हैं बारिश बंद हुए, और मौका देख के निकला हूँ और 10 मिनट बाद ना कमाल की चीज़ है, मौसम ऐसा हो गया जैसे कि अभी कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम साफ मौसम। और बारिश भी ऐसी नहीं कि 5-10 मिनट वाली हुई थी, मतलब सुबह 5 बजे से करीब से बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली, और कल भी हुई थी बारिश। और अब मौसम बिल्कुल क्लीन, आसमान अगर दिख रहा होगा तो देख के बताओ क्या क्लीन हुआ पड़ा यार, लग ही नहीं था कि बारिश हुई है या हो रहा है, हुई थी। रोड पर बस थोड़ा बहुत कीचड़ हुआ है, फिर मेन रोड पर तो वैसे भी कीचड़ इतना होता नहीं यार। हाँ ये रोड अभी नए बने हैं, बारिश सब कबाड़ा कर दे रही है। मुझे लगा था आज बारिश रुकेगी नहीं, वैसे पर रुक गई, ये अच्छा हुआ। अरे यार ये पूरे ना स्पीड में चलाने की यही दिक्कत है, पूरे कपड़े खराब होते हैं। आज बढ़िया मौसम हो गया, मज़ेदार, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, वो वाला सीन हो गया अब तो भाई। और टाइम से बारिश भी रुक गई तो जाम भी इतना नहीं मिलेगा आज, क्योंकि मैं टाइम से निकल गया हूँ। बूंदें तो पड़ रही हैं हल्की फुल्की, मेरे हेलमेट पे आ रही है। अरे तो पता नहीं क्या मेरी क्लच वायर है ना, आवाज़ कर रही है, पता नहीं इसे कच 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 के अजीब सी। और ये आवाज़ जब होती है जब क्लच का टाइम आ गया होता है, बट ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है, नई क्लच है, पता नहीं क्या आवाज़ ही कर रही है। मैंने उसको बोला भी था सर्विस सेंटर को, भाई इसमें आवाज़ बहुत आती है, कच कच करती रहती है, पता नहीं क्या है, अजीब सी, डर लगता है कि टूट क्रैक हो जाए टूट जाए। नई क्लच वायर है, कुछ नहीं है, बट उसने भी इसमें ऑयलिंग वगैरह कर दी थी, मैंने भी कर ली बाद में, तब भी दोबारा जाती पता नहीं क्या, या तो मेरा हैंडल सही जगह पे सेट नहीं है, मतलब ये क्लच का जो ये होता है ना पूरा सेटअप, क्योंकि मैंने थोड़ा अप डाउन कर रखा है ये अपने हिसाब से, ये वाला डाउन है थोड़ा सा, तो डाउन रहता ही है क्योंकि इसमें ये मास्टर सिलेंडर लगा रहता है ना, थोड़ा सा उसकी पोजिशन अलग होती है, इसकी पोजिशन अलग होती है, तो मैंने दोनों इक्वल हो जाए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे डाउन झुका दिया है। हाईवे पे तो नहीं चढ़ेंगे हम चलेंगे साइड साइड नीचे से। और आज मैंने थोड़ा कैमरा थोड़ा सा अलग सेट किया है इस बाइक पे, चेक करने के लिए कि इस पर आता कैसा है। तो एक चीज़ और कर लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, फुल ऊपर है भाई, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली ना टैंक काफ़ी आता है, तो मुझे आज चेक करना है कि इसमें अब कैसा आएगा। खैर वो भाई ये क्या है, खचर खचर पीला पानी। ये और दिक्कत है बरसात में, हेलमेट के अंदर ना भाप जमनी स्टार्ट हो जाती है। शीशा खोलता हूँ, ऐसे भी शोर है नहीं इतना, तो आवाज़ अच्छी आएगी यहाँ तक लगता है मुझको, थोड़ी देर खोल लेते हैं। हाँ सही है, थोड़ा तो सुकून मिला, पर बारिश पड़ रही है, मुँह पे आ रही है छोटी छोटी बूंद है ओस जैसी, ऐसी बारिश पड़े ना तो मज़ा भी आता है, एंजॉय करो इसको, तो तेज आती है वो तो भाई नाश कर देती है, मेरे जूते ना ऑफिस तक कैसे जाएंगे पूरे कबाड़। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अभी एक, मतलब उस दिन बारिश आई, वो मतलब मेरा जो 20 मिनट का वीडियो बनता है ना, वो वीडियो 45 मिनट करीब का बनाया वो, और वो इसलिए बनाया क्योंकि बारिश में उस दिन इतना जाम था, ट्रैफिक था, स्लो गया, मतलब डबल हो गया टाइम मेरा उस दिन आज, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले भी निकल गया हूँ आज तक।
आज तो आई होप टाइम से पहुंच जाएगा। तो मौसम तो खुल गया, पूरा ही खुल गया, पता नहीं कैसा मौसम है। इतनी गंदी बारिश हो रखी थी, एकदम से साफ मौसम पूरा। एक तो मेरा जुकाम ठीक हो गया, मेरा पता नहीं क्या दिक्कत है, दवाई ववाई सब खा ली। अंकल हाथ दे रहे हैं, छींटे मत मार देना। नहीं अंकल नहीं मार रहे, समंदर ये देखो, ये इतनी जल्दी है। उड़ा के ले जा रहा है, ये शाबाश। यहाँ से थोड़ा सा एक रोड और आगे निकल जाऊँगा ना, फिर रोड साफ मिलेगा। थोड़ा साफ मतलब ये कचर पचर वाला सीन नहीं होगा ऐसे यहाँ पे। अरे यार ये ही गंदा है, ये सारी स्पीड डाउन करवा देते हैं पानी। अब खुद को बचना भी पड़ता है भाई, ये नहीं कि अब कीचड़ लथपथ होकर चले जाना, थोड़ा प्यार से निकालनी पड़ती है। आज मेरा वैसे मेरा मन था कि आज मैं जीटी लेके जाऊं, मैं सोच रखा था रात को कि सुबह जीटी ले जाऊंगा, पर मौसम ऐसा हुआ कि फिर मन नहीं किया। मैं कहा छोड़ो, उसमें तो और कीचड़ का बाड़ा लगेगा, जब ये ऑलरेडी गंदी हो चुकी है एक बार तो क्यों दूसरी को गंदा करना, है ना, है ना सेंस। तो मैं इसलिए नहीं निकाली उसको, मैं कहा छोड़ो इसी को ले चलते हैं, तो खड़ी रहने दो। मतलब इस टाइम पे सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मौसम एकदम बेहतरीन हो गया है। थोड़ा साइड में लेते हैं, यहाँ से टप टप करेंगे। 7:37 उधर कितना काला काला सा लग रहा है, दिख रहा होगा तो उधर देखो कितना बेहतरीन मौसम लग रहा है। अबे ये क्या है, बिल्डिंग के आगे से धुआं सा निकल रहा है या बादल है, ये क्या है। भाई ये क्या बवाल है भाई, ये तो बड़ा अजीब सा बवाल है सच में। थोड़ी आंखों से देखते हैं, वो ये क्या उड़ रहा है भाई, बादल उड़ रहे हैं। देखो सुपरनोवा की बिल्डिंग है ना, जहाँ पे सुपरनोवा लिखा है, एग्जैक्ट मैं दिखाता हूँ, यहाँ रुकूंगा रेड लाइट है, एग्जैक्ट वहाँ पे सुपरनोवा के आगे बादल उड़ रहे हैं। ओए हाँ नीचे बादल है भाई, मतलब सुपरनोवा इतनी ऊंची है कि इसके नीचे बादल दिख रहे हैं। थोड़ा आगे जाके देख लो, अरे हट जा, अरे यार यहाँ से भी नहीं दिखेगा। ओ भाई बादल इतना नीचे कैसे है, ये बिल्डिंग कितनी ऊंची तो नहीं है, बादल के अंदर घुसती हो, है ना। ऑब्वियस की बात है बादल नीचे है, अभी रास्ते में दिखेगी। ओ दूसरी वाली बिल्डिंग पे तो उसके बगल में, जस्ट उस साइड बगल में एक बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में, उसके तो छत पे पूरा बादल सो रखे हैं। यार ये सही मज़े ले रहे होंगे जिनकी बिल्डिंग होगी वहाँ बादल में खड़े होंगे। ऐसा बहुत कम होता है यहाँ पे, तो हिमाचल वगैरह साइड तो भले पहाड़ों पर चढ़ जाओ तो बादल आ जाते हैं पास में, ये तो बहुत नीचे हो गए। दिल्ली क्या बन रहा है भाई, ये देखो बस। ओ भाई पैर ऊपर ही करके चलना पड़ेगा वरना ये पूरा ऐसे ऐसे कर देंगे। मैं कह रहा मेरे हेलमेट में धुंध जम गई है क्या, और नहीं सच में भाई बादल बहुत नीचे है इस बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ना मेरे राइट हैंड में दिख रही है इतनी बड़ी, ये आधी बादल में घुसी हुई है।
प्रॉपर बादल है, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉग वॉग होगा, कुछ बादल है क्योंकि उड़ रहे हैं वो, दिख रहे हैं साहब। अरे भूत निकाले, मुझे आगे जाने तू वरना नाश कर देगा मेरे। अब नहीं दिख रहे यार पास आके, क्या सीन है ये, ना आप आते ही गायब। ये कौन सी फिल्म थी, थोड़ा सा आराम से बेटा, आगे पानी भरा हुआ है, ज्यादा कुछ रफ्तार में चल दिया मैं। आराम से आराम से आराम से आराम से, छीटे ऊपर तक आ रहे हैं। यहाँ तक आते आते बादल उड़ गए। नहीं सच में बादल थे, दिख रहे थे भाई साहब, बकायदा बादल दिख रहे थे वो। अरे यार आज रोड इतना सन्नाटा, पता है क्यों रखा है, मैं कह रहा हूँ जस्ट 5 मिनट पहले बारिश बंद हुई है, 5-10 मिनट पहले बारिश बंद हुई है, इसलिए सन्नाटा रोड पे काफ़ी है, बिल्कुल खाली रोड मिल रहे हैं। लोगों ने बहाना मार दिया आज हम नहीं आएंगे ऑफिस, मैं भी सोचा था सही बताऊँ तो बहाना बहाने के, पर क्या करूँ बारिश ही बंद हो गई खाली। चलो साइकिल गैंग, साइकिल 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 गैंग। अरे इससे तो नाक में नकेल कर दी, मेरे पीछे से आ रहा है सैमसंग वाला, पाँ पू पाँ, बॉस ने भी लड़ दे दिया था कि भाई बहुत तेज साउंड हो रहा है तुम्हारे आसपास कहीं, यही बजा रहा था हॉर्न। ऐसा रोड ना चाहिए बस, ना चिक चिक ना कुछ कुछ, मस्त चलते रहो, सूखा रोड पड़ा हुआ एकदम बढ़िया बेहतरीन करके, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो बारिश बहुत कम हुई है। ये भाई साहब मेरे लेफ्ट साइड में ना ये मायावती पार्क है, इसके अंदर इतने निब्बा निब्बी आते हैं ना, इतने निब्बा निब्बी, कोई हद नहीं है। तुम्हें अगर यकीन ना हो ना तो कभी मतलब इंस्टाग्राम पे या उसी लोकेशन पे ना, इंस्टाग्राम पे यहाँ सर्च कर लेना इस पार्क को, तो इस लोकेशन से टैग लोग होंगे तो इतनी रील्स मिलेंगी ना भाई साहब, पूछो मत, बहुत रील बनती है इसके अंदर। अब वो भी वो वाली समझ जाओ कौन सी वाली, मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता। वो बनता है इसके अंदर, पर पार्क बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट है और कितने किलोमीटर बताऊँ ऐसे भैंस के समझ में नहीं आएगा मुझे भी, बहुत लंबा सच में, तो फिल्म सिटी के आगे तक जाता है फिल्म सिटी का जो है, देखो वो सामने गुंद दिख रहा है, गुंद क्या बोलते उसे, वहाँ से भी आगे मेरे लेफ्ट में बहुत लंबा पार्क है। ए दिल्ली बाय, दिल्ली में बारिश बंद होगी भाई, नोएडा में होगी लग रहा है, मौसम जिस हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। व्यू देखो क्या मस्त आ रहा है, मैं थोड़ा कैमरा थोड़ा सा हाइट पे लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे, और सीधा बैठा हूँ क्योंकि ये देखो क्या मज़ेदार व्यू आ रहा है, हरियाली, बाइक, खाली रोड, मज़ेदार। पच 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 कर दिया, पच पच। आज रोड ही बड़े खाली खाली मिल रहे हैं, मजा अच्छा है, खाली होने चाहिए। आज तो फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे, आज नीचे से नहीं जाएंगे, आज मौसम बढ़िया हो गया। मेरे पैर ऊपर रख रखे, अब तो रोड सूखा मिल रहा है, यहाँ पे लग रहा है ज़्यादा बारिश हुई नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे अब नंबर आने वाला है, जिस हिसाब से बादल अब यहाँ घेर रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान ज़्यादा मेहरबान है, इस पर ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ कम मेहरबान है तो कम बारिश हो रही है।
अच्छा भीड़ कम क्यों, अब समझ में आया। अब आज मुहर्रम है भाई, आज छुट्टी है लोगों की, इस वजह से। देखो मैं देर से कह रहा हूँ यार, खाली कैसे, मतलब हमारी छुट्टी नहीं है, सोचो मुहर्रम की सबकी छुट्टी है यार। जूतों की तो वाट लग चुकी, एकदम कबाड़े हो चुके कबाड़। और जाके ऑफिस में ना इनको अच्छे से धुलाई करवाऊंगा, धुलाई करवाऊंगा मतलब खुद धोऊंगा, किसी धुलवाने वाला कोई वहाँ मिलता नहीं भाई कि यहाँ जूते धो के देगा। अच्छे से क्लीन करने पड़ेंगे ये नैपकिन वगैरह से। देखो मैं वहाँ कह रहा था ना बादल, अब मेरे यहाँ भी सामने ऐसे सेम सीन क्रिएट हो रखा है, बादल उड़ता हुआ जा रहा है, काफ़ी नीचे जा रहा है। मौसम बढ़िया हो गया, ये अच्छा है। तो खटारा रोड आ गया, ये इतना सा रोड है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट हो गया, अब वहाँ तक ना जहाँ तक आता हूँ एकदम खटारा ही था, लगा पता नहीं कैसा अजीब सा ही टूटा फूटा सा, जैसे रिपेयरिंग कर रखी है जबरदस्त वाली इसकी, ख़त्म। अब पूरा सही आएगा, अब बिल्कुल सपाट आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये रोड पूरा का पूरा बकवास बना रखा, पता नहीं कैसा उबड़ खाबड़ सा, कभी कच्छ उस साइड का, लेफ्ट साइड का जो है वो अच्छा है, उधर बढ़िया जाती है बाइक। लंदन मार्ट भी खुल गया भाई, इंडिया मार्ट है, लंदन मार्ट भी आ गया। अब क्या क्या खुल रहा है भाई, लंदन मार्ट, इंडिया मार्ट, चाइना मार्ट ना खुल जाए बस। इस्कॉन टेंपल, कार वालों के मजे यार, मस्त आराम से बैठे और मजे लेते हुए जा रहे थे। आगे बस जा रही है ना, ये दुखी करेगी, थोड़ा सा स्लो चलते हैं। तो कीचड़ इतना गंदा उड़ा रही है ना, मुझे दिख रहा है यहाँ से, टायर चौड़े होते हैं ना इनके, तो बहुत ज़्यादा खचर खचर ऊँचा रखते हैं। अभी तक मैं साफ़ सुथरा हूँ, तो मैं चाहता हूँ साफ़ सुथरा ही पहुँच जाऊँ ऑफिस। और टाइम भी अपने पास 10 मिनट है, या तो इसको ओवरटेक कर देते हैं, ख़त्म करो कहानी, पैर ऊपर। और अच्छा मेरी पैंट भी हल्की हल्की भीगी है नीचे से, अरे ठीक है ये सब चलता है। ले बेटे हो गया काम ख़त्म, मौज कर दी। चलाते नहीं हैं हम बस, वो बात अलग है, जब आए तो रॉकेट बना देते हैं उसी बाइक को। आज रोड खा लिए तो भगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पेट्रोल पैरों पे छींटे आ रहे हैं ज़्यादा तेज चलाने पे, मैंने भी नोटिस किया, मेरी पैंट से लीक गई हल्की हल्की, बाइक ख़राब हो गई दीख है। अब थोड़ा चलाना पड़ेगा आराम से, अब मिलेगा गंद, कीचड़, कीचड़ ने मतलब पानी वही, ये समझ आ रहा। देखो यहाँ से रोड सूख गया है, इधर गीला है, या तो यहाँ बारिश हुई नहीं। पर मैंने फ़ोन किया था लोगों को, ऑफिस के बंदे को, वो तो नोएडा में रहता है, अगर बारिश हो रही है पानी जल्दी सूख गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल, आ जाओ
बट अच्छा है, कीचड़ ना ही हो तो। यहाँ पे दिल्ली के मुकाबले कम बारिश हुई है, ये तो साफ है। हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही, मतलब रात को भी हो रही थी 8-9 बजे करीब, फिर उसके बाद सुबह भी अच्छी खासी बारिश हुई है। गड्ढा, कार के दिक्कत पीछे चलने में यही दिक्कत है, कार के पीछे निकल जाओ ना तो कार तो अपना भोसड़ी वाले माँ चुदवारा अपनी खाली गाली सुबह सुबह। मैं चाहता नहीं सुबह सुबह बकना उलपटांग उसे। बची गया, मैं भी अगर थोड़े अच्छे ब्रेक मारता ना तो स्लिप ही होती बाइक वहाँ पे। रोड़ी और आड़ी वैसी पड़ी हुई इतनी सारी, और एकदम से चलते चलते घट करके इधर को आया, साइड में दबा दी गाड़ी, ना कि उसको यू टर्न भी नहीं लेना था। उधर कट बना हुआ है फिर भी इधर घुसट जा रहा है। कई लोग होते ऐसे हैं, चलते झंडू की तरह हैं, चाना सीधा है पर ऐसे चलाएंगे बाइक को कि मतलब बाइक या कार कि उधर जाना है, बिहेव ऐसा करेंगे जाना कहीं और होगा, जाएंगे कहीं और। बची गया बस आप तो सुबह सुबह तो, वरना छील देता ये खाना खा के। अब धूप आएगी तो भाई बड़ी गंदी धूप आएगी, जिस हिसाब से देख के लग रहा है ना मौसम, मजा आ जाएगा। आज मौसम हो रहा है पार्टी करने वाला, शाम को देखेंगे ऑफिस के बाद फ्री हुए और कोई रेडी हुआ साथ का दोस्त यार, तो आज पार्टी करते हैं, सबको पार्टी करना बीबी भाई के साथ। ओ भाई साहब बच गए, देखा कार के बिचलने का नुकसान, बारिश में ऐसे ऐसे खड्डे खुद गए हैं, कहीं पे भी भरोसा नहीं है कब कहाँ से क्या निकल के आ जाएगा। काफी अच्छा खासा गड्ढा है साला, बची गया। हालांकि होता कुछ नहीं बट वो ये भरोसा भी नहीं है कुछ, तो बचाने के चक्कर में पिल जाते हैं, तो फ्लो में जहाँ जा रही जाने दो। अब भाई ने बैग पे कवर डाला है पर कवर तो आधा, जो मेन एरिया ओपन ही है चैन पे से, उसकी जिप तो पूरी ओपन है, पानी तो वहीं से घुसेगा अंदर। आज ना लग रही इसकी हीट वीट पीछे बस की, आज तो नॉर्मल लग रहा है भाई साहब, मौसम ऐसा हो रखा है ठंडा, बर्फ की हीट भी इसी के बस कह रहा हूँ, बर्फ कह रहा हूँ, बस की हीट भी कम से फील हो रही है। चलो आज बिना भीगे सेफ्टी से पहुँच ही गए, वरना सुबह तक तो ये लग रहा था कहीं बारिश में ना भीग जाऊँ, बारिश ना हो जाए ये चल रहा था, बट पहुँच गए। ये बेचारे पेड़ काट दिए, इनको उठाया नहीं जा रहा है इनसे कि हाँ उठा के साफ सुथरा कर दे, फिर रोड की बाट लगा दी है। तो भाई हम भी फाइनली पहुंच गए अपना ऑफिस, तो एक काम करते हैं, हम पहुंच गए ऑफिस, हमारा काम हो गया एंड, अब करेंगे दूसरा काम ऑफिस का। आप लोगों का काम अब क्या है, अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपसे गेट खोलने के बाद। तो इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई, ठीक है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो, मौसम बढ़िया, थोड़ा एंजॉय करो। चलो बाय।